हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है जय, हम आपको पूछ रहे हैं। देखिए, सीमा पर बढ़ता तनाव। आज हमारे देश में जिस प्रकार से सरहदों पर लगातार पड़ोसी मुल्क के साथ तनाव बढ़ रहा है, उसको लेकर आम नागरिकों में भय का माहौल है जो सीमा के आसपास रहते हैं। पड़ोसी देश में सैन्य शिक्षा अनिवार्य। हमारा पड़ोसी देश चीन पूर्ण रूप से अपने देश में सैन्य शिक्षा अनिवार्य किए हुए है। वहाँ पर हर नागरिक को अनिवार्य रूप से सैन्य शिक्षा दी जाती है। ऐसे में चीन के साथ भारत के बढ़ते मुकाबले के लिए भारत में भी सैन्य शिक्षा की मांग उठने लगी है। 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों की आशंका। मुंबई में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से कहर बरपाया, उसको लेकर अब हर हिंदुस्तानी अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। अगर देश में सैन्य शिक्षा अनिवार्य होती तो 26/11 हमले में उतना ज्यादा जाने नहीं जाती, लोग खुद अपना बचाव कर पाते। देश के अंदर बढ़ते नक्सलवादी हमले। जिस प्रकार से देश में नक्सलवादी अपना पांव पसार रहे हैं और बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, ऐसे में सैन्य शिक्षा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे निपटने में काफी हद तक निजात मिल सकती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते सर, बोलिए। सुरेश जी, वो देश में ये जो कर रहे हैं ना, ये लूटेंगे ये जो आप जो बता रहे हैं ना, ये कर जाना, फिर उनको लूटने के लिए किधर से मिलेगा? हाँ, देश सुधर जाएगा ना, बिगड़ेगा कैसे? हाँ, उनको तो बिगाड़ने की पड़ी हुई है। धन्यवाद। इस देश के नेताओं को सबसे पहले सेना में भर्ती किया जाए, जब तक ये निर्णय और व्यवस्था नहीं होती, ये भी कहा जा रहा है, या चुनाव का टिकट उसको नहीं दिया जाए जिसने ये व्यवस्था नहीं की। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी ये नियम बनाया जाए कि तब तक सीमा पर या सैनिक की शिक्षा जो लेगा या सेवा जो देगा उसको ही टिकट दिया जाए। ये भी सोशल मीडिया में बहुत बड़ी मात्रा में ये एक ही सजेशन कई लोगों ने दिया, इसलिए मैंने इसका विशेष उल्लेख आपके सामने किया है। और जो बड़े बुजुर्ग है जो ऐसे काम में नहीं जा सकते, ऐसे नेताओं को बच्चों से इसकी शुरुआत की जाए, ये भी इस सजेशन में कहा गया है। और भी कई कॉलर हमारे साथ है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन कुछ MMS है, उन MMS को भी देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे बार बार देश में बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं, जैसे कभी मुंबई में हुआ, उसके बाद नक्सली हमले हुआ, ऐसे हमलों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि हर भारतीय को, हर नागरिक को की सैन्य शिक्षा कंपलसरी कर दी जाए। देखिए, जिस प्रकार से एवरी देश में सैन्य शिक्षा का चल रहा है, इस प्रकार से भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी सैनिक होते जो भी होते हैं आल काम करते हैं डिसिप्लिन के अंदर, और जब डिसिप्लिन के अंदर वो लोग काम करते हैं, वही शिक्षा हम लोगों को मिलेगी, तो डिसिप्लिन के अंदर जो भी डिसिप्लिन होगा उसके अंदर ही काम करेंगे। उससे क्या होता है, जो भी क्राइम होते हैं इन पर भी कंट्रोल होगा, बहुत कुछ कंट्रोल होगा। जिस प्रकार अन्य देशों को देखिए, अन्य देशों में क्राइम नहीं होते इतने ज़्यादा जो इंडिया में हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो है जो भी नॉलेज है वो नॉर्मल बेस की है। यदि सैन्य शिक्षा दी जाए, सैनिकों की तरह यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए, तो डिसिप्लिन। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी, नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने सैन्य शिक्षा अनिवार्य बताया है। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, तो ये तो सैन्य शिक्षा तो जितने भी अपने सैनिक है यही बोलते हैं, लेकिन इनका जो काम है ना वही काम होना चाहिए, इसके अलावा काम मतलब सैनिकों से नहीं करवाना चाहिए। सैनिक मतलब जो काम है उसको छोड़ करके सफाई है, और मतलब बाकी के कैंपों में लगे रहते हैं, सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, छुट्टी जाते हैं तो उनको गाड़ियां नहीं मिलती है, मतलब बहुत से ऐसे कारण है कि मतलब सैनिक, एक सैनिक 20 सैनिकों का काम हो सकता है, भारतीय नौजवानों में इतनी ताकत है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम देश की सुरक्षा के लिए केवल ये बात नहीं कर रहे, हम जानते हैं कि हमारे देश की सीमा पर खड़े इस देश के प्रहरी पर्याप्त है, और ये इतने पर्याप्त है कि एक साथ सारे दुश्मनों ने हमला कर दिया तो भी हमें वो सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं, हम केवल सीमा सुरक्षा नहीं तो अंतर्गत सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, व्यक्ति के चरित्र के निर्माण की बात करते हैं, ऐसे कई समस्याओं का समाधान इस सैनिक की शिक्षा में हम देखते हैं, और इसीलिए आज का बिंदास में ये मुद्दा हमने लाया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं राउरकेला से बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। सर, मेरा बोलना ये है कि अभी चाइनीज चीज थोड़ा देश में हर हर जगह में करोड़ रुपया का बिके जाता है,
तो मेरा ये सुझाव है कि एक दिन ऐसा दिन हम सारा भारत में चुने जिस दिन में सारे चाइनीज चीज को जलाया जाएगा, तब जाके इनको जो अर्थनैतिक आर्थिक सुविधा मिलता है चाइनीज लोगों को, मैंने वो बंद हो जाएगा। धन्यवाद। आज देश में चाइना के प्रोडक्ट को बैन करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग देखते हैं कि हमें कुछ परसेंटेज जो सस्ती मिलती है और इसलिए उसको लेते हैं, और उस बदले जो मुनाफा चाइना को मिलता है उससे वो गोली बनाकर हमारे सैनिकों के खिलाफ यूज करते हैं और कल बम बनाकर भी यूज करेंगे। ये हम कर सकते हैं छोटे से स्वार्थ के लिए, क्योंकि वो देशभक्ति का उतना बड़ा भाव नहीं है जितना सैनिकों में हो सकता है, और इसलिए भी ये जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद। जी जी बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम कृष्णा भरवाड़ है, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ। आज ये मुद्दा सुरेश जी ने उठाया बहुत काफी बढ़िया मुद्दा उठाया है। देश की आंतरिक सुरक्षा तो काफी खतरे में है, बाहरी सुरक्षा से ज्यादा आंतरिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए हर एक भारतीय को पूरा सैन्य प्रशिक्षण मिलना जरूरी है। जैसे की ये केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक पैरेलल आर्मी तैयार हो गई है, मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या हो सकता है कि देश में गृह युद्ध छिड़ने की पूरी अंदेशा है कि भविष्य में देश के अंदर पूरा छीन सकता है। तो इस हिसाब से भारत के हर एक नागरिक को अपने सैन्य सुरक्षा मिलना तो सच्चे बात नहीं है, क्योंकि हमारा आर्मी पूरा 14 लाख का है, तो वो सब जगह तो कवर नहीं कर सकता। उधर चाइना का खतरा है, इधर पाकिस्तान बैठा है, नीचे श्रीलंका का वहां पर बेस बनाया रखा है। तो इन सब आंतरिक खतरे को निपटने के लिए हमारे प्रत्येक नागरिक को अपने प्रशिक्षण आर्मी प्रशिक्षण की बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात की आपने, धन्यवाद। इस देश को तोड़ने वाले, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग सैन्य बना रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और योजना बना रहे हैं, उस योजना को अंजाम दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जान भी दे रहे हैं, लेकिन देश को बचाने वाले ना योजना बना रहे ना उस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। जान देना तो दूर की बात है, और इसीलिए इस देश में इसकी नितांत आवश्यकता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय श्री राम। बोलिए। मैं थाना से बोल रहा हूँ, पंडला से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। आरएसएस वाले ने थोड़ा बहुत मेरे भी का शिक्षण देती थी आरएसएस वाले, वो उन्होंने सरकार ने उसको पर बैन लगाया और वो अभी सब शिक्षा जो है मिलिट्री की बंद कर रही, तो उसमें क्या किया था वो आरएसएस वालों का। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, नमस्कार सुरेश साहब। बोलिए। सुरेश साहब, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। ये सरकार आज जो हर नागरिक को सैन्य ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सरकार ने तो जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो भी बंद कर दी है। आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट शिमला सहन करके जिस ट्रेनिंग को आज से पहले के 10-15 साल पहले तक कुछ चालू थी, वो सीमांत क्षेत्रों के लिए वो लागू थी वो ट्रेनिंग, यहाँ तक कि हम लोगों ने बचपन में वो तो में ट्रेनिंग दी जाती थी एयरगन से लेडीज को जो है 3-8 जिसको अभी जो है MK-41 कहते हैं, उससे औरतों गांव गांव की औरतों में ट्रेनिंग दी जाती थी, वो भी बंद कर दी। SSB की ट्रेनिंग करके नाम मशहूर है ये शिमला ट्रेनिंग, वो भी ये सरकार ने, आज ये सरकार आतंकवादी गुंडे और बदमाश चोरों और डकैतों को पालती है तो कहां से शिक्षा देगी। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे भी जानकारी में ये मुद्दा नहीं था, और ऐसी दी जाने वाली शिक्षा अगर बंद होगी तो नई शिक्षा कैसे शुरू होगी? वो होगी क्योंकि आप आवाज उठाएंगे, आप मांग करेंगे, आप कहेंगे कि हमको ये चाहिए, जब ये देश मांगेगा तो ये देना होगा। अगले कॉलर, जय हिंद। सुरेश जी, मेरा नाम मुकुल शुक्ला है और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज के विषय पर जो आपने ये सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने की जो बात कही है, इसमें जब हम सैन्य प्रशिक्षण की बात करते हैं तो ये देश हित में तो होता ही है, पर हमारी सरकारों ने जो नीतियां बना रखी हैं, मैं अगर बहुत इसमें एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे हथियारों की नीति अगर आप देखिए तो हथियारों की लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी है हमारे देश की वो आज भी वही चल रही है जो 1860 में अंग्रेज करके गए थे, और उसका कारण उनका ये था कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में लोगों के पास हथियार रहे। अब अगर हथियार होते हैं तो कसाब जैसा हमलावर जब हमारे देश में घुसता है तो ही हम कोई ना कोई ऐसा होता जो शायद लाइसेंसी हथियार के दम पर उसको गिरा सकता था, पर ये नपुंसक मानसिकता लोगों के दिमाग में भरी जा रही है और उसकी वजह से लोगों में हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि किसी भी तरीके के अत्याचार या अन्याय का विरोध कर सके। इसीलिए अगर ये सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाता है तो ये नपुंसक मानसिकता लोगों के मन से हटेगी,
लोगों में हिम्मत बढ़ेगी और ये बिल्कुल सही है, इससे क्राइम बहुत हद तक कम होगा। सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं, ये क्राइम को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात है आपने कही है। ये समय के लिए भी, समय का सदुपयोग करने के लिए भी उपयोगी रहेगी, क्योंकि अनुशासन में, समय में विषय में भारतीय बहुत पिछड़े हैं और इसके लिए दुनिया भर में बदनाम होते जा रहे हैं। बल्कि हम तो कहते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका मतलब थोड़ा बहुत लेट तो चलता है, फिर उस शहर और वहां के कल्चर और स्वभाव के अनुसार उसको कम ज्यादा किया जाता है। और हम बड़े मजे लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेके, अपने जीवन की, समय की बर्बादी करने वाला समाज कैसे समय के साथ आगे बढ़ सकता है। यह बढ़ना है तो उसको समय का महत्व समझना चाहिए, और यह महत्व आर्मी से ज्यादा कहां पर दिखाई देता है। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हर स्कूल में एनसीसी फरजियात करवा देंगे ना, हाँ, एनसीसी नेशनल एनसीसी, हाँ, तो सभी सभी बच्चों में देश के प्रति जागृति आएगी। और अभी एनसीसी आप फरजियात करवा देते हो तो अल्पसंख्यक विरोध करेंगे और कांग्रेस वाले उसको फिर उसे कैंसिल करवा देंगे, तो उसका कोई इलाज है आपके पास? बिल्कुल, सारे चीजों का इलाज हमको करना होगा, क्योंकि ये देश हमारा है और इसकी हर समस्या हमारी है। हम इसके कर्ता धरता है, या इस देश का नागरिक जब ऐसा कहेगा तो उसके समस्या के अगर कोई हल नहीं निकालता है तो हमको निकालना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जहीन। जहीन सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी जहीन, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि साहब, आप मिलिट्री के ट्रेनिंग देनी चाहिए हो तो बात ठीक है, पर देश की हालत देख लो, विधानसभा और लोकसभा के अंदर गुंडे बैठे हैं, ऐसे गुंडे पैदा हो गए, तो पहले तो इनको देशभक्ति की भावना सिखानी चाहिए मिलिट्री की ट्रेनिंग के साथ साथ। बिल्कुल, धन्यवाद। यही तो हम कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा क्या, कहीं पर भी लोक प्रतिनिधि बनने वाले के लिए तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और ये करे बगैर वो लोक प्रतिनिधि बन ही नहीं सकता, ऐसा कानून होना चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जहिन। सर, मेरे हिसाब से भी सैन्य शिक्षा अपने देश में अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि सर जिस तरह से पहले हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में स्काउट की शिक्षा दी जाती थी, उससे हमारे दो पर्पज सॉल्व होते थे। एक तो बच्चों की हेल्थ बनी रहती थी, दूसरा उसमें आचरण का सुधार होता था। तो मुझे लगता है ये एक आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, धन्यवाद। पहले स्कूलों में ग्राउंड होते थे और उस मैदानों के ऊपर बच्चे खेलते थे, प्रार्थना होती थी, राष्ट्र के लिए साधना होती थी, स्मरण होता था, महापुरुषों के नाम लिए जाते थे, उनकी जयंती को मनाया जाता था, बच्चे ग्राउंड पर रोजाना खेलते थे स्कूल शुरू होने के पहले, और एक आधा घंटे का 45 मिनट का टाइम तो ऑफिशियली था, स्कूल छूटने के बाद भी बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान होता था। अब तो ना मैदान है, ना मैदान है तो उसमें खेलने वाले बच्चे हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बड़े ही अच्छे मुद्दों के साथ और अच्छे प्रतिसाद के साथ। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आज जो आपके सामने मुद्दा लाया है, इस मुद्दे को आज अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है, और स्काइप से लेकर टेलीफोन कॉल तक या सोशल मीडिया में इतनी सारी प्रतिक्रिया है कि इस हिंदुस्तान को सचमुच में सैन्य शिक्षा चाहिए, ये मांग सामने आ रही है। क्या है आपका इस विषय पर कहना? आप कॉल कर समय में अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे और आपके कॉल भी हम यहां पर जरूर लेंगे। जहीन, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं इसराइल से हूँ। वाह वाह, बोलिए। सर, हमारे देश में हर एक आदमी को, जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं उन लोगों को सैनिक की शिक्षा देनी बहुत ही जरूरी है। जब तक किसी के अंदर देशभक्ति नहीं होगी वो देश को क्या सुधारेगा? वाह, मैं इसराइल में हूँ। 18 साल के बाद हर एक आदमी जाता है और स्कूलों में उन लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप लोगों को 18 साल के बाद ट्रेनिंग पे जाना है। उन लोगों बच्चों में ही, उन लोगों को इजराइल के लोग बच्चों में ही देशभक्ति के गुण भर देते हैं। बिल्कुल, तो यही मैं चाहूंगा हमारे देश में भी ऐसा ही हो। धन्यवाद। आज के इस इसराइल से जो भारतीय अपनी बात को कह रहे हैं, वो हमारे मुद्दों को पुख्ता कर रहे हैं, और वहां बैठकर अपने आंखों से उन्होंने इसराइल को जो देखा है वो हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, और इसलिए ये आज का कॉल बहुत ही महत्वपूर्ण था कि सीधा इसराइल से।